क्या चाहते हैं आप लोग सांसद जी? हम लोग काम रोक लेंगे, सिर्फ अपना काम करते हैं। ट्रेन चली तो हम आत्महत्या कर लेंगे। जान देने से समस्या का हल ही होने वाला नहीं। उचित मुआवजा क्या मिला, क्या चाहते हैं? भूखों मर रहे हैं, किसी बच्चों को रोजगार नहीं मिला। डू आर डाई, करो या मरो। जान देने से समस्या का हल ही होने वाला नहीं। हम किसी किसान से विरोध नहीं करते, लेकिन जो हमारा अधिकार है, किसानों की जमीनें गई हैं तो उनको अधिकार है, उनको मिले। उपेक्षा है, यह बहुत बड़ी उपेक्षा है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। एक बार फिर किसानों से जुड़ी समस्या को लेकर हाजिर हुए हैं। रीवा सिंगरौली रेल मार्ग में सैकड़ों किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई। रेलवे के द्वारा किसानों को मुआवजे के साथ हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन रेलवे ने जमीन अधिग्रहित करने के बाद काम शुरू कर दिया और आने वाले कुछ ही समय में लोकार्पण की तैयारी है। लेकिन आज भी 2 सैकड़ा बेरोजगार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों के द्वारा लंबे समय से ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, विरोध किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी समस्याओं को लेकर आधा सैकड़ा किसान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के शासकीय आवास पहुंचे, जहां आप बीती सुनाई है। किसानों ने कहा कि अगर उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है तो वह लोकार्पण नहीं होने देंगे, इसके लिए चाहे उनको जो कीमत चुकानी पड़े। हालांकि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने शीतकालीन सत्र में उक्त मुद्दे को उठाने की बात कहते हुए रेल मंत्री से पर्सनल बात कर पात्र युवकों को नौकरियां नियम अनुसार दिलवाने की बात कही है। सांसद जनार्दन मिश्रा के घर पहुंचे किसानों ने हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे से बात की है, जहां किसानों ने अपनी समस्याएं बताते हुए आने वाले समय में उनकी क्या रणनीति होगी चर्चा की है। साथ ही सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी कहा है कि नियमानुसार जिसकी जैसी पात्रता होगी उसे नौकरी दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। आइए आपको ले चलते हैं सीधे सांसद जनार्दन मिश्रा के शासकीय आवास, जहां किसान और सांसद मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन रिसीविंग हमको मरना है, जल्दी करवाना यार, हम इसी बहाने मर जाएंगे। हम किसी किसान से विरोध नहीं करते, लेकिन जो हमारा अधिकार है, किसानों की जमीनें गई हैं तो उनको अधिकार है, उनको मिले। नहीं है वो अधिकार है, मिले मिले तो कोई बात नहीं है, ना मिलेगी तो हम तो आत्महत्या करेंगे। हम आपसे बता दें भाई, जमीन क्या है यार भाई, ऐसा थोड़ी है कि आदमी की जमीन क्या है। उपेक्षा है, यह बहुत बड़ी उपेक्षा है किसान की, है बहुत बड़ी भी उपेक्षा है। उपेक्षा ना है, जो उनके प्रावधान है कुछ को दे दिए हो, कुछ को अध्याय हो, कुछ को कहे हैं। रीवा सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए जमीन किसानों की अधिग्रहित की गई, लेकिन किसानों को जो वादे किए थे सरकार ने वो नहीं उपलब्ध कराए। किसानों की जमीन तो चली गई, लेकिन ना तो नौकरी मिली और ना ही उचित मुआवजा मिला, जिसके लिए किसान लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार ज्ञापन सौंपा गया, डीआरएम का घेराव किया गया, पत्राचार किए जाते रहे। आज सांसद जनार्दन मिश्रा जी के यहाँ पहुँचे हैं किसान, तो हम जानते हैं किस तरह की समस्याएँ हैं और आगे क्या चाहते हैं। क्या समस्या है मुख्य, क्या चाहते हैं आप लोग सांसद जी? सांसद जी से नौकरी चाहते हैं, सबको नहीं मिल रही, फिर भी अब क्या आगे करेंगे? अगर अभी बहुत लंबे समय से मांगे चल रही है, नहीं मिलेगी तो रेल रोकेंगे, रेल न जाएगी। क्या वादा किया था, किस तरह जब जमीन अधिग्रहित की गई, क्या आश्वासन दिया गया था? अब हमारे यहाँ तो रेलवे स्टेशन बना हुआ है बांसा में, बांसा में बना हुआ है। अगर नहीं हुआ, इनको नौकरी नहीं दी गई और ट्रेन निकलेगी तो हम ट्रेन के सामने लेट जाएंगे। किसानों की मुख्य आय का स्रोत और जमीन ही थी जो खेती बाड़ी करते थे, वो भी चला गया। आज अब पुस्त जो आ रही है नीचे, उनको नौकरी भी नहीं मिली, जमीनें भी अपनी जान निछावर कर देंगे, बिल्कुल अर्पित कर देंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे उस क्षेत्र से? उस क्षेत्र से है कम से कम 200-300 आदमी। कितनी जमीनें ली गई थी आप लोगों, क्या आश्वासन दिया गया था, अभी क्या स्थिति है? जमीन करीबन 600 किसानों के लिए गए है और नौकरी नहीं दी गई। तो अभी क्या स्थिति है परिवार में, कैसे बेरोजगारी है? भूखों मर रहे हैं, हम लोग अनशन करेंगे, काम रोकेंगे। रेलवे स्टेशन जो है बांसा में उद्घाटन होने वाला है, त्रिपाठी जी को लेके, हमारे त्रिपाठी जी अध्यक्ष हैं किसानों के मध्य प्रदेश के, उनको हम लेके काम रोकेंगे। क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कई बार आप लोग मिले, तो कुछ बात पहुँचाए ऊपर विधानसभा लोकसभा? यही कहते हैं कि मिलेगी बस। अभी आज सांसद जी से मिलने आए हैं, क्या आशा है अभी? सांसद जी कहते हैं कि हम जाएंगे दिल्ली में बात करेंगे।
लेकिन जिस तरह से लंबे समय से चला आ रहा है आज का मुद्दा नहीं है तो अभी क्या लगता है कुछ मिलने वाला है, कुछ अर्सा निकलेगा? कहने की बात कोई नहीं मिलेगा, हम लोग काम रोक लेंगे। किसान क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश शर्मा है, बासा से आए हैं और रेलवे ने जो अभी लिया था उसके बदले बोला था कि एक परिवार को एक नौकरी देगी, तो कुछ लोगों को दिया नौकरी, लेकिन अब तक 300 लड़के अभी बाकी हैं बासा मड़वा मिला के, उनको अभी तक काम है, 2 साल से बंद किए हैं और जमीन भी ले लिया, अब खेती बिना पैसे बिना सब लोग परेशान है, बेरोजगार लोग। क्या अभी क्या स्थिति है, ना आप खेती कर पा रहे हैं, जमीन जा रही है, नौकरी भी नहीं मिल रही है, उचित मुआवजा क्या मिला, क्या चाहते हैं? इसीलिए तो आज सांसद महोदय से मिलने आए हैं कि हमारे निराकरण कराए, या कि नौकरी दिलवाए, या कि मुआवजा रुका उसको दिलवाए, या नहीं कि काम बंद कराए। कुछ लोग तो मुआवजा वापिस करने को तैयार है कि हम नहीं लौटा देंगे मुआवजा, हमारी जमीन छोड़ दे। अभी घर में किस तरह की है स्थिति, बेरोजगारी में नौकरी लोग चाहते हैं, खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, जमीन जा रही है तो जी जी, किस तरह की स्थिति बेरोजगारी में? किसानों की जमीन चली गई और उनका मुख्य आधार था हुआ, अब नौकरी ना मिलने से किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं और गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम लोग लगातार विधायकों से सांसदों जी से मिल रहे हैं और शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि जाके हमारी बात उठाएं वहाँ पर, ताकि हम किसान हैं हम गलत राह पर ना चलें, सही राह पर चलें। और इस तरह हम आज आवेदन देने आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं, हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से कमिश्नरी में सबको ज्ञापन दिया, हर जिले के कलेक्टरों को भेजवाया, विधायकों को भेजवाया। अब ये है कि ये अंतिम बार है ना, अब मैं चाहता हूँ कि हमारे माननीय सांसद महोदय वहाँ पर जाकर के बात उठाएं और हम जो किसान के बच्चे हैं उनको सबको जॉब मिले। लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है रीवा से सिंगरौली पन्ना, अपने रीवा सतना कई किसान प्रभावित है, लेकिन अभी आज जब सांसद जी के पास आप पहुँचे कि क्षेत्रकाल में आवाज़ उठाए, क्या लगता है कितना सफलता मिलेगी और आगे क्या आप लोगों की? आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि रीवा सतना, सतना रीवा रिंक योजना के लिए 1984 में भूमि का अधिग्रहण हुआ, एक भी बच्चे को रोजगार नहीं मिला, कई बार संसद जी से भी हमारी डिबेट के समय भी बहस हुई, कभी भी सदन में किसी ने उठाया नहीं। आप सोच सकते हैं रीवा ग्राम पंचायत में है, स्टेशन बना हुआ है, उस स्टेशन का नामो निशान मिटा दिया, जहां से पटरिया गुरी जी वो स्टेशन हो गया, आज भी वो ग्राम पंचायत में है, हमारे यहाँ 8-8 विधायक है, संसद है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। जब ये रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन का सर्वे हुआ, उसके बाद इंदुमणि शुक्ला जी, स्वर्गीय इंदुमणि शुक्ला जी हमारे मंडी के डायरेक्टर थे, हम लोगों ने 2008 से इसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि रेलवे सिर्फ आश्वासन देता है और रोजगार नहीं, इसलिए लगातार किसान संघर्षरत रहे। मड़वा बासा के हमारे किसान भाइयों ने अनशन किया, आंदोलन किए, उसके बाद महाप्रबंधक जी रीवा आए, हम लोगों ने महाप्रबंधक जी का घेराव किया और महाप्रबंधक जी को घेराव करने के बाद हमें रेलवे से ये पत्र आया। और आप सोच सकते हैं कि रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन, सतना पन्ना रेल लाइन, सबसे विस्थापित किसानों के लिए 1925 बच्चों के लिए एक सूची जारी हुई कि उनको इस तारीख तक रोजगार दे दिया जाएगा। अगर रेलवे अपनी सूची पे अमल करे तो 2021 तक सब बच्चों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी बच्चों को रोजगार नहीं मिला। हमने अभी कमिश्नरी में हम लोगों ने धरना दिया, हम रेलवे के महाप्रबंधक जबलपुर में भी हमारे यहाँ से बच्चे गए और 5-6 दिन नहीं से खुले आसमान के सामने उन्होंने धरना दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने सोच सकते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि रीवा संसद, सतना संसद, सीधी संसद और खजुराहो संसद, खजुराहो संसद जी प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष है, हमारे यहाँ 4-4 संसद है जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनकी प्रदेश में सरकार है, और हमारे किसान के बच्चे खेती योग्य जमीन दे के निरी जैसे घूम रहे हैं। हम और यहाँ के, हमारे यहाँ के माननीय संसद जी सीधी, हमारे यहाँ के रीवा विधायक जी कह देते हैं कि हमें गोविंदगढ़ तक ट्रेन चलाना है। अरे गोविंदगढ़ तक ट्रेन चलाना है तो आप हमारे रीवा के विधायक हैं, कम से कम ये देखिए कि एक कैंप लगा करके कि रीवा से गोविंदगढ़ तक जितने गांव हैं उनमें प्रभावित किसानों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। बहुत सारे किसान है जिनके साजात खाते थे, उनके बच्चों के नाम नामांतरण नहीं हुआ है, जमीनें नामांतरण नहीं हुई है और बहुत सारे बच्चे छूट गए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं और माननीय संसद जी से आग्रह करने आए हैं कि आप रेल मंत्री जी से मिलिए, आप लोकसभा में इस मुद्दे को उठाइए और सब बच्चों को रोजगार दिलवाइए, क्योंकि किसानों ने भूमि दी है, भूमि के बाद रोजगार देने के वादा खिलाफी रेलवे न करे, नहीं तो हम लोग सब अब अपने जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे, क्योंकि धरना के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और सबको ज्ञापन दे दिया गया है, और अगर सुनवाई नहीं हुई तो किसान अब आर पार की लड़ाई सत्य और अहिंसा नहीं, सत्य और अहिंसात्मक ढंग से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष से भी मांग करते हैं, जो सत्ता पक्ष में है, जो
जो विपक्ष में राज्यसभा संसद है, दो दो राज्यसभा संसद है, चार संसद है, आप भी लोकसभा और राज्यसभा में किसानों की बात उठाइए। हमारे यहाँ प्रजातंत्र का अंत हो रहा है, क्योंकि लोग स्टार प्रचारकों के नाम पर वोट पा जाते हैं, उसके बाद सिर्फ अपना काम करते हैं और जनता का कोई ध्यान नहीं देते। कितनी जमीनें आपसे अधिग्रहित की गई थी और वर्तमान में क्या स्थिति है? जमीन हमारी जमीन अधिग्रहित की गई थी 75 डिसमिल, और कुछ लोगों को हमारे गांव में नौकरी मिल भी गई है, लेकिन अधिकांश सब वही क्या लगता है कुछ लोगों को मिल गई राजनीतिक से उनको सपोर्ट रहा है कि अब किसी कारण से उनको मिले, कोई विवादित था जैसे मान लीजिए पारिवारिक विवाद है, कोई अंडर एज में था, कोई ओवर एज में था, ऐसे करके बचे हैं, कुछ लोगों को मिल भी गई है नौकरी, बाकी बेचारे सब भाग रहे, वहां जाए जबलपुर जाए तो वहां कहा जाता कि बस हो जाएगा होगा चल रहा है इस तरह से। ये हमारी जमीन 2012 में हमको मुआवजा मिल गया था सर, 2012 में हमको नौकरी नहीं मिल पाई है, हमारी जमीन फंसी थी, तो जब से आज तक भटक रहे हैं, अब क्या करें, अब आत्महत्या क्या है कि रेलवे ने जमीन ले लिया साधन के लिए, प्रचार कर रहे हैं नेता, कर रहे हम ट्रेन की सुविधा लाने वाले हैं, बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा, लेकिन वास्तविक नौकरी नहीं मिल पाई अभी आप लोगों को, वो नौकरी नहीं मिल पाई है और भाग रहे हैं सब बच्चे लोग, किसान बेरोजगार हैं, बताइए किसी खाने के नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, क्या करें, सब लोग बेरोजगार भाग रहे हैं, यही सर हर बार कहते हैं संसद विधायक कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, सब भाग ऐसे ही बेरोजगार हैं, सब किसान परेशान हैं, सब कुछ और आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं कि भाई अगर हमको नहीं मिली है ट्रेन चली तो हम आत्महत्या कर लेंगे, ना मिले नौकरी नहीं मिलेगी तो हम नहीं जाने देंगे ट्रेन, सब किसान परेशान है, यही आपके चैनल की कि हम ट्रेन के सामने लेट जाएंगे, बिल्कुल पुलिस प्रशासन है सरकार उनकी सत्ता उनके मामले दर्ज करा दिए जाएंगे, आप दर्ज करा दिए जाएंगे तो हम तो हमारी लाश जलेगी, मुकदमा मामला चलता रहेगा। अक्सर प्रशासन सरकार जिसकी होती है कुचलने के लिए कुछ भी कदम उठाते हैं, अगर सुनना हो तो इसके पहले भी सुन दिया जाता, आप लोग कई समय से नहीं, हमने अभी आवाज उठाया था राजेंद्र शुक्ला जी के लिए कि अगर ट्रेन हमारे यहाँ से चालू होगी बांसा से और ट्रेन निकलेगी, अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है तो हम सीधे ट्रेन के नीचे लेट जाएंगे। क्या मानते हैं जनप्रतिनिधि उदास क्यों है, क्यों उदासीनता दिखा रहे हैं, क्यों गंभीरता नहीं ले रहे? उदास इसलिए है कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, जो मिल गई 100-200 को पहले, अब तो नौकरी उनको नहीं मिल रही है, वो अब लिस्ट 2-2 साल से लिस्ट पड़ी है सब, सरकार कहती है हम रोजगार दे रहे हैं नौकरी दे रहे हैं, जहाँ जिसको नौकरी जमीन ले ली उसको नौकरी नहीं मिल पा रही, हाँ नहीं मिलेगी तो अब एक ही सिद्धांत है हमारा, जो हम डू आर डाई, करो या मरो। सांसद जी से मुलाकात होगी तो सांसद जी से भी यही संदेश देने आए हैं? जी हाँ यही संदेश देने आए हैं। किसानों ने ज्ञापन सौंपा है, नौकरी नहीं मिली इनकी जमीने जाने के बाद भी रेलवे में, क्या आश्वासन है, क्या आगे बात? नहीं, अब अपन तो रेल मंत्री से बात करेंगे और रेल प्रशासन से बात करेंगे कि नौकरी दिलाएंगे, जिनको पात्रता है नौकरी की उन्हें नौकरी दिलाई जाए, दी जाए। लंबे समय से किसानों की मांगे चल रही थी, जमीन अधिग्रहित कर ली गई, नौकरी भी नहीं मिली, कुछ संशोधन भी है, लेटर भी लिखा गया, फिर भी अब वो क्या प्रक्रिया है अभी तो देखने से ही पता चलेगा। अभी हम लोगों ने उस बैठक में जब रेल मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया था और अधिकारियों ने कहा था कि इस पर विचार करेंगे, वो कहाँ तक बात पहुँची है और क्या स्थिति है वो तो सरकार के स्तर पर देखना पड़ेगा। 3-4 सांसद अपने इस क्षेत्र में आते हैं जहाँ से बात होती है, छतरपुर, वो सब लोग बात कर रहे हैं, छतरपुर पन्ना वाले भी बात कर रहे हैं, सतना वाले भी बात कर रहे हैं, सीधी वाले भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, सभी लोग संयुक्त रूप से इस मामले को उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, पुरजोर विरोध की बात कर रहे हैं, जो किसान आपसे मिलने आए हैं कि उद्घाटन नहीं होने देंगे, विरोध करेंगे, अब वो देखेंगे, बात करेंगे, जान देना उचित नहीं है, जान देने से समस्या का हल भी होने वाला नहीं, बेरोजगारी जान तो हम आ देगा, जान बेरोजगार घूम रहे हैं, नहीं बेरोजगार घूम रहे हैं तो ठीक है, बेरोजगार घूमने का ये थोड़ी है कि अभी हमने ये कह दिया है कि नहीं आपको नहीं देंगे, प्रक्रिया है, कोई थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, कोरोना की वजह से 2 साल हमेशा वो डिले रहा, उसके बाद भी इतना तो संवेदना है सरकार में कि उसने घोषित किया, वो किस कारण से रुक गया मामला वो अलग बात है, और जान देने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, केवल एक परिवार का विघटन होगा, उसमें मैं तो यही अपील करूंगा कि शांति के साथ जिस तरह से तमाम हजारों नौजवानों को काम दिया गया है उसी तरह से इनका भी इनकी समस्या का हल होगा, और जान देना कोई इसका विरोध की बात है कि विरोध में जान देने से समस्या का हल होने वाला थोड़ी है।
रास्ता नहीं बचता, जमीनें चली गई, बेरोजगारी है। अरे पांच पांच की बात है, कोई नहीं कहता कि जान दे, लेकिन बेरोजगारी है। बेरोजगारी बेरोजगारी अलग प्रश्न है, और जिन लोगों की जमीनें गई है उनके बच्चों को, जिनको सूची है उनको काम देना, उनको नौकरी देना एक अलग प्रश्न है, तो उनको काम मिलेगा। सांसद जनार्दन मिश्रा जी है, हालांकि लंबे समय से कह रहे हैं कि आश्वासन दिया जा रहा था कि किसानों की जो जमीन अधिग्रहित की गई हैं उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है कि क्या दिक्कतें हैं, क्या होंगी, इससे नहीं लगता कि किसानों की कोई समस्याएं हल होने वाली हैं और जल्दी नौकरी मिलने वाली, जबकि उनका अधिकार है। 1900 सीटें हैं, 1900 नियुक्तियों करने का लेटर भी जारी कर चुका है रेलवे, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। देखने वाली बात यह होगी कि जो बेरोजगार है जिनकी जमीनें गई कब तक नौकरी मिल पाती है।